देखिए ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव का 5 साल के लिए चुना गया था। यहाँ से जो भी प्रत्याशी थे 5 साल के लिए ठीक है जो आए तब आखिर में लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे करके दूसरे दल में शामिल हो गए। तो ये देखिए इनकी फितरत पुरानी फितरत है, ये 96 में बसपा से फिर बसपा से बीजेपी से फिर समाजवादी में और जनता ने 5 साल के लिए इन्हें चुना था। अब इन्होंने जनता को यहाँ की जनता को धोखा दिया है, आपको भी तो धोखा दिया सर। तो जनता को धोखा दिया है, दल को तो दिया तो दिया ही, जनता को असली तो जनता है। अगर 5 साल के विकास के लिए चुना था जनता ने कि भाई यहाँ विकास करेंगे, लेकिन अब जनता के धोखा दे करके कर खरीद किया। अब जनता को यहाँ से इनको हरा के भेजना चाहिए और जो प्रत्याशी सुधाकर हैं संघर्षशील आदमी रहे, हमेशा समाजवादी में रहे, उन्हीं का तो टिकट काटा था, तब मौका है। सर जैसे आप लोग बड़े नेता हैं, प्रदेश के सिरमौर हैं नेताओं में, तो जो इस तरीके के दल बदल करने वाले लोग हैं उनपे आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं अंकुश लगाया जाता कि एक पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं फिर उन पे रोक लगा दी जाए? क्या इससे कोई राजनीति समाजवादी पार्टी को वो धोखा दे चुका है, तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि दारा चौहान को ही कैंडिडेट बनाया गया? देखिए अब जनता इनको सबक दे देगी, घोसी की जनता इनको सबक देगी। ऐसे लोगों को दे देना चाहिए, ऐसे जो दल बदल तुरंत करते हैं जनता को धोखा देते हैं, इन पर जनता हरा करके भेजेगी और जनता ही अंकुश लगाएगी। सर यूसीसी में विवाह को लेकर के एक भ्रांति हुई है कि लड़कियों की उम्र युवा अवस्था होनी चाहिए, 18 साल नहीं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो ये तो अब न्यायालय में तो सब लोग हम लोग सभी स्वागत करते हैं, लेकिन जल्दी शादी नहीं होना चाहिए ना, ये तो है। क्या वजह पड़ी कि इतने भाजपा के मंत्रियों को उतरना पड़ा, जो कि अकेले दारा सिंह चौहान चुनाव जीत कर गए थे 1,08,000 से, कोई उतना मंत्री नहीं आया ना कोई आपके तरफ से, लेकिन क्या वजह पड़ गई कि इतने मंत्री रोज 8 से 10 प्रोटोकॉल चलते हैं मंत्री के, क्या वजह पड़ गई कि उनको इतना मेहनत करना पड़ रहा है दारा के लिए? देखिए जनता को इन्होंने धोखा दिया है, तो जब जनता को धोखा दिया है अब उनके सामने संकट यह है कि अब वो जीत नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद बन गए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी से इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल जनता को धोखा दिया है, कहीं पर भी विकास का काम नहीं किया है। और ये भी सुनने में यहाँ आ रहा है कि ये तो कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, और इन्होंने यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया है। जब विकास का काम नहीं किया है, एक चीज और छटकी आ रही है, महिलाओं को पिता पति और भाई से संपत्ति का अधिकार मिलता है, वर्तमान व्यवस्था को बदलने की जरूरत नहीं है या है? इस्लाम में महिलाओं को पिता पति और भाई से संपत्ति का यहाँ जरूरत नहीं है। एक चीज और मुद्दा आज का एक बात और छटके आ गई, आपके साथ सबसे बड़ा बाहुबली जिसको कहा जाए मुख्तार अंसारी का परिवार आपके साथ जुट गया है, जो कि 2 दिन या 3 दिन से कहिए लगातार मन्नू जो है यूसुफपुर महमदाबाद के विधायक मन्नू जो है अंसारी जो है आपके समर्थन में घोसी में और कोपागंज में समर्थन में जो है प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी से तो कभी चुनाव लड़े नहीं, उनका आप नाम ले रहे हैं। मन्नू जरूर हमारी समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनके पिता भी रहे हमारी पार्टी से विधायक, उनके जो चाचा हैं वो सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे, ये तो रहे हैं, लेकिन जो नाम लिया है आपने वो नहीं रहे कभी समाजवादी। इसका असर कितना घोसी पर पड़ेगा, इसका असर कितना घोसी मतदाताओं पर पड़ेगा? देखिए वो रहे बहुजन पार्टी से जी, अब यहाँ की जनता देखिए समझ रही है,
समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास का भी काम किया है, जब भी सरकार में रहे तब भी किया है, और समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक रहे तब भी विकास का काम हुआ है। और जब सरकार में रहे यहाँ जनपद मऊ में हम भी कई बार आए हैं, विकास का काम हमने भी कराया है। तो अंसारी परिवार को जुड़े इन लोगों ने तो कोई काम नहीं किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, ओम प्रकाश राजभर ने परिवार को जुड़ जाने से तो क्या घोसी में लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है? देखिए यहाँ हमेशा सभी वर्ग के लोग जो हमेशा वोट किया है, सभी हम लोग सेकुलर हमेशा रहे हैं, उसकी वजह से देखिए मुस्लिम भाइयों ने भी और सभी सभी वर्ग के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को जिताया और फिर जिताया। मन्नू अंसारी ने नारा दिया है कि दारा चौहान को हराना है घोसी में, तो हारेंगे दारा चौहान, ठीक दिया है नारा। ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिए थे दिन की, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने बयान दिया है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके पीछे तो देखा होगा, उन्होंने कितने कितने बातें कही। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हम दफन करेंगे कुछ ही दिन पहले। अच्छा फिर